हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जीके में, दिस इज ऑफ क्लास थर्ड, जीके में हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक ग्रैंडमा बाली से कोलकाता को ट्रैवल करती है फॉर सेलिंग हर चिप्स। एंड वो एक बुज़ुर्ग महिला थी, यू कैन सी हर पिक्चर, शी इज़ दैट ग्रैंडमा। एंड शी यूज़ टू सेल, वो अपने चिप्स को बेचने के लिए पहले अपने गांव में बेचती थी, लेकिन गांव बहुत पुअर है, वहां बहुत गरीबी थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो कोलकाता जाकर, जो कि 50 किलोमीटर्स दूर था, जिसकी वजह से उनको व्हीकल्स भी ट्रैवल के चेंज करना पड़ता था, लेकिन शी वॉज, वो इतनी दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, संकल्प ले चुकी थी कि वो अपना चिप्स को बेचेंगी। हाउएवर, तो यहाँ से हम लोग को कुछ देखना था। हाउएवर, ऑन अराइविंग एट कोलकाता, ग्रैंडमा स्टार्टेड सेलिंग हर चिप्स ऑन द फुटपाथ। फुटपाथ पे बैठ करके वो अपने चिप्स को बेचने लगी। बाई मैनी पैसर्स, बाई मिस्टेकिंग हर फॉर द ओल्ड बैगर, और लेकिन कई पैसेंजर्स जो उनको सोचते थे, जो पास करते थे वहाँ से, लोग सोचते थे ये बूढ़ी भिखारी है, और उसको पैसा देते थे। हाउएवर, ग्रैंडमा रिफ्यूज टू टेक मनी, और वो मना कर देती थी, वो पैसे को नहीं लेती थी जब तक उनका चिप्स ना खरीदो। शी वुड से, आई हैव ट्रैवल्ड सो फार फॉर सेलिंग माई चिप्स इन कोलकाता। वो कहती थी कि मैं इतनी दूर से जर्नी करके आ रही हूँ और चिप्स को बेचने के लिए, और मैं ये चिप्स को बेचूंगी तब मैं पैसे लूंगी। ऑन सीइंग दिस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्टेड बाइंग, और इसको देख करके जो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था वो देखा और चिप्स को खरीदने लगे वहाँ से, और ग्रैंडमा इसी से पैसे कमाने लगी। ऑन सीइंग हर करेज एंड डिटर्मिनेशन, लेकिन उनके जो उनके साहस और उनका दृढ़ निश्चय को देख करके कई लोग उनको पैसे भी ऑफर किए, लेकिन वो पैसा नहीं लेती थी। इंस्टेड देम टू आस्क टू बाई चिप्स, उनको ये कहती थी कि अगर मेरा चिप्स खरीदोगे तो मैं लूँगी पैसा। सी दिस ग्रैंडमा हाउ शी इज सेलिंग हर चिप्स टू द स्टूडेंट्स। वाई यू आर, उसी में से एक जो गुजर रहे थे वहाँ से, एक व्यक्ति ने पूछा, ग्रैंडमा वाई डू यू वर्क सो हार्ड। उन्होंने पूछा कि आप इतनी कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत क्यों करती हैं? जो पैसे आपको दिए जा रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करती, उनको लेती क्यों नहीं है? डू दिस, ग्रैंडमा रिप्लाइड विथ, लेकिन ग्रैंडमा ने बिने दांत की महिला थी ये, उसी से मुस्कुराई और बोली कि जो परिश्रम जिससे हम कर रहे हैं उसका फल मीठा होता है। इफ़ आई एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द पीपल, आई विल बी नथिंग बट अ बैगर। अगर मैं पैसा लोगों से लेने लगती तो मैं सिर्फ एक भिखारी होती और ना ही कुछ और। हाउएवर, लेबर हैज़ इट्स ओन डिग्निटी, और सबका अपना अपना डिग्निटी होता है। ठीक है, तो ये स्टोरी था हम लोगों ने आज, इसको जीके में पढ़ा। दैट मीन्स वर्क हार्ड, बिकॉज वर्क हार्ड, हमें हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि हमें उसका फल मीठा मिले। हाँ, तो ये हमने आज पढ़ा, आप लोग इस स्टोरी को फिर से रीड करिएगा। आज ये स्टोरी आपका ख़त्म होता है बच्चों, आज आप लोग इसको घर पे रीड करेंगे, और रीड करने के बाद इसको अच्छे से 2-3 बार रीड करेंगे। ये स्टोरी बहुत अच्छा है, ग्रैंडमा के बारे में है, जिसमें ग्रैंडमा कितने 50 किलोमीटर्स दूर जा कर के अपने चिप्स को सेल करती थी, उनको कितने लोग पैसे ऑफर किए लेकिन उन्होंने एक भी पैसा लिया नहीं। ठीक है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ग्रैंडमा एंड शी इज़ सेलिंग चिप्स टू द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल। शी डिसाइडेड टू सेल हर चिप्स ऑन द फुटपाथ। Okay, read this story carefully.